ओडे भैया, ये आपके नंदे प्रयाग से लेके पाने प्रयाग के बीच रोड की कंडीशन बहुत हो रही है। 300 मीटर आती है, अच्छी रोड भी है इधर। ऊपर टूटे देखो पहाड़, और इधर रोड का काम चल रहा है, पीछे करनी पड़ेगी भाई। वो देखो वो अभी और इंतजार करना पड़ेगा करीब यहाँ पे हमको। बस सुबह हो चुकी है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, कल रात रुके थे हम इस होटल में, होटल चंद्रीप जोशीमठ बद्रीनाथ रोड में। और आज का जो टारगेट है, हमने पहुँचना है द्वाराहाट, अभी बज रखे हैं 9:44 हो गए हैं। हमारा कमिटमेंट है कि सुबह 8:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, लेकिन मंदिर गए उसके बाद थोड़ा लेट हो गया, ब्रेकफास्ट करते करते सामान पैक करते करते हम लोग हो गए 1 घंटा 15 मिनट लेट। और अभी जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो करीब आपके 200 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है। 200 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में हमको करीब लग जाएंगे 5-6 घंटे। अभी बीच में रोड की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। दिल्ली है यहाँ से 503 किलोमीटर, देहरादून 293 और श्रीनगर 146, आपके पुनः आगमन की परीक्षा में और केदारनाथ 164 किलोमीटर आपका स्वागत करता है। ये भी कैंट एरिया है। इसी के साथ ऑफ रोड चालू, एक साइड रोड बनाई हुई है आधी आधी, एक साइड से कच्ची है। ठीक है, अभी रोड अगर मिल जाए जाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे तो और बुरी कच्ची रोड है। जहाँ पे मड आ रहा है ना, वाटर के साथ मिट्टी आ रही है, वहाँ पर जाना बहुत कठिन होता है। ये तो फिर भी ठीक है। सामने जो वैली का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। बीच में एक छोटा सा पुल है और दोनों पहाड़ों के बीच में, और नीचे एक नदी बह रही है। काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है, ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी मतलब फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है इस रोड की। और रोड की कंडीशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। एक छोटा सा टेम्पल है यहाँ पर, ये हनुमान जी का टेम्पल है। देखिए आप ऊपर देखो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। नीचे घाटी बहुत संघरी है, लेकिन ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा मस्त है। करीब 1 घंटा हो गया है चलते चलते, और 10:44 हो चुके हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं गरुड़ गंगा में। ये गरुड़ गंगा है, यहाँ पर गरुड़ गंगा बहती है पुल के नीचे से। यहाँ पर एक मंदिर है गरुड़ जी का, बीच में एक हमारे जो सांसद हैं अजय भट्ट जी, उनका एक बयान आया था इस गरुड़ गंगा को लेके ही आया हुआ था। उन्होंने कुछ बयान दिया था, मेरे को पता नहीं है कौन सा बयान था, लेकिन मैं जब आया था यहाँ पर तो जाते वक्त रुका था मैंने, उस टाइम में ब्लॉग बनाया नहीं यहाँ पर। तो हो सकता मेरे को पंडित जी ने बताया कि इसका अगर पत्थर हम अपने घर लेके जाए गरुड़ गंगा का, तो हमारे घर के अंदर स्नेक नहीं आते हैं। होता है कि एक उसका लॉजिक उन्होंने दिया कि गरुड़ और स्नेक आपस में एनिमी होते हैं, इसलिए ऐसा होता होगा। अब वो उन्होंने बताया तो हमने भी एक पत्थर लिया है, जब आप आओ तो एक पत्थर आप भी ले। रोड के किनारे छोटे छोटे गाँव हैं, कुछ पुराने ज़माने के मकान दिखाई दे रहे हैं जो आजकल पहाड़ों में धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और सामने एक हिमालय की पीक दिखाई दे रही है, देखिए ऊपर भी एक गांव है और नीचे भी एक गांव है रोड के किनारे किनारे। तो कहीं कहीं पे दुकानें मिल जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब तीर्थयात्रा चलती हो तब दुकानें खुलती होंगी यहाँ पे। लेकिन जब आप सामने पीक देख रहे हो आप, बहुत एक पीक दिखाई दे रही है। तो अभी जब ये विंटर मौसम होगा तब ये पीक बहुत अच्छी दिखाई देती होगी, लेकिन जो रोड है, रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा रोस्ट है। मुझे लगता नहीं कि हम लोग का जो सफ़र है वो 6 घंटे में पूरा होगा, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है शाम हो जाएगी मुझे लगता है आज। इस जगह का नाम है पीपल कोटी, यहाँ पे भी होटल वोटल बहुत सारे हैं, बहुत सारे होटल हैं, खाने के लिए ढाबे हैं। कभी आप अगर बद्रीनाथ आ सकते लेट हो जाओ,
की रोड का काम चल रहा है, होता है कि आप इसी के साथ आ रहे हो तो वहाँ तो पूरी रोड पूरी रोड खुली हुई है, तो आप अपना डेस्टिनेशन पीपल गोटी भी बना सकते हो और नेक्स्ट डे आपसे बदना जा सकते हो मॉर्निंग में। मेरे यहाँ मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और होटल भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पर कोटी। पूरी रोड की कंडीशन ऐसी है, बहुत मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही है, हेलमेट खड्डे पानी। पहुँच गए हम लोग चमोली में। आज दिवाली की वजह से मार्केट सजी हुई है पूरी और काफ़ी हैवी ट्रैफिक, गाड़ी चल रही है आहिस्ते आहिस्ते, और यहीं से एक रास्ता जाएगा गोपेश्वर तुंगनाथ मंडल होते हुए केदारनाथ भी निकल सकते हो आप। वो पीछे चला गया, पीछे रास्ता पीछे साइड से मेरे से करीब 10-15 मिनट पीछे है चमोली में। जहाँ बद्रीनाथ आए हो या आप केदारनाथ से तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ आ जाओ इस रास्ते, या बद्रीनाथ आए हो आपको पता चला केदारनाथ भी जा सकते हो, तुंगनाथ भी जा सकते हो, चौका भी जा सकते हो, मंडल भी जा सकते हो इस रास्ते। रास्ता काफ़ी अच्छा है और अगर आप वाइल्ड लाइफ आपको अच्छी लगती है तो पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मस्क डियर की, मस्क डियर और मोनाल दोनों आपको मिलेंगे वहाँ पर। ऑलमोस्ट डेडली रोड है भैया ये आपके नंदप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग के बीच में। इस रोड की कंडीशन ना भाई साहब गाड़ी स्पीड भी कर रही है, इस रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। थोड़ी 100 मीटर आती है अच्छी रोड, उसके बाद 300 मीटर होती है ख़राब रोड, और जो अच्छी रोड भी है उसे भी है पूरा कीचड़ ही कीचड़ रास्ते में। अभी मैं हूँ नंदप्रयाग में, ये नीचे से नदी बह रही है, यह है नंदाग्नि नदी और ये आती है नंदा घुंटी पर्वत से, इसका है उद्गम स्थान। नंदप्रयाग पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है। ये उस साइड पुल का व्यू था, इस साइड पुल का व्यू का दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी कुछ देर आगे जाके नदी मिल जाएगी, अलकनंदा से संगम हो जाएगा, ऐसे प्रयाग है और यहाँ पर एक चंडिका माता का मंदिर भी है। ऊपर टूटे देखो पहाड़, और वे रोड का काम चल रहा है, पीछे करनी पड़ेगी बाइक, फैसला एक दो पत्ता हमारे ऊपर गिर गए। वो देखो वो अभी खोल रहा है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा करीब यहाँ पे हमको। करीब आधा घंटा लगेगा मुझे लगता है, आ जाएंगे 3-4 गाड़ी से। ये देखो फिर से वैसी रोड आ गई, रोड टूटी फूटी हो लेकिन उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जो मड्डी रोड होती है उसमें स्किड काफ़ी हो रही है गाड़ी, हल्का सा भी मैं अगर ब्रेक ले रहा हूँ तो पिछला जो व्हील है वो स्किड मार रहा है, और ऐसी रोड मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, इसमें बाइक चलाने में दिक्कत है। अगर टूटी हो रोड तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें चलाने में, लेकिन अगर ऐसी मड्डी रोड आती है, सबसे ज़्यादा मड्डी रोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है तो चारों ओर मिट्टी है, और अगर हल्का सा ही पानी उसमें आ रहा है तो रोड पूरी मड्डी जा रही है। तो ऐसा ऑलमोस्ट पूरा नंदप्रयाग से लेके सामने का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त वैली है, नीचे बह रही है पिंडन नदी। मैंने कर लिया है कर्णप्रयाग क्रॉस क्योंकि आज धनतेरस का दिन था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से मैंने वो वीडियो कर दिया स्किप, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जब मैं गया था बद्रीनाथ को तो मैंने आपको कर्णप्रयाग उस टाइम में दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने आज वो स्किप कर दिया, बहुत सारी चीज़ स्किप कर दी क्योंकि वो पिछले वीडियो में आपने अगर देखा नहीं होगा तो वापस देखना दोबारा से बद्रीनाथ वाला वीडियो मेरा।
जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ वहाँ आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रास्ता, क्योंकि आज फेस्टिवल है धनतेरस, उसकी वजह से कहीं खाना मिला नहीं। तो कर्णप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर दूर हमने सोचा कि हम लोग सिमली एक जगह पड़ती है वहाँ खाना खाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ की सारी दुकानें बंद हैं और छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, और दिन के अभी 2 बज चुके हैं और हमको कहीं पर खाना नहीं मिल रहा है। जहाँ पर भी देखो वहाँ पटाखे की दुकान या चाय की दुकान या चाउमीन की दुकान, और मेरे को खाना है दाल चावल खाने का मन है, या रोटी सब्जी मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कहीं मिले, क्योंकि एक तो एक्चुअली ये लंबा काफ़ी है और मार्केट यहाँ की अभी क्लोज लग रही है, क्योंकि सब लोग सोचता है कि शॉपिंग करने कर्णप्रयाग गए होंगे अब, लेकिन देखो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गया, मुश्किल मुश्किल है मुझे लगता है कि अब यहाँ खाना मिलना। कोई बात नहीं, अब पानी पीना पड़ेगा, अगर नीचे नदी आके वही पेट भरेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। नीचे नदी देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी खूबसूरत वैली है। यहाँ पे है शायद कुछ दुकान है, क्या पता कुछ मिल जाए, देखते हैं। चौहान फास्ट फूड सेंटर बंद है, तंदूरी रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट लंच डिनर। खाने में कुछ मिलेगा? हमने कर लिया, मस्त हरी की सब्जी थी और पहाड़ी दाल और चावल। अभी हमने जो दूरी तय करनी है वो है अप्रॉक्स 85 किलोमीटर और, थोड़ी रोड कंडीशन सही नहीं है तो हम लोग को लगभग 4 घंटे लगेंगे 85 किलोमीटर पूरा करने में। 4 घंटे में टोटल स्टॉपेज, एक स्टॉपेज और लेना पड़ेगा कहीं चाय आए पीने के लिए, तो हो जाएगा काम। ऑलमोस्ट 5:45 हो चुके हैं, हम लोग निकले थे जोशीमठ से 10:45 पे, रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो हम लोग को होगी देर, लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं द्वाराहाट गैरसैंण चकुटिया क्रॉस करते हुए। अगर आपने वो शहर दोबारा देखने हैं तो आपको देखना पड़ेगा मेरा वाला वीडियो जो मैंने बनाया है द्वाराहाट से बद्रीनाथ का। और अब हम लोग द्वाराहाट पहुँच चुके हैं, इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव चले जाऊँगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नए नए जगहों पर लेके जाता हूँ। अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।